हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, बिकॉज आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी एजाज खान के बारे में, जो कि आजकल बिग बॉस 14 के अंदर नज़र आ रहे हैं एज ए कंटेस्टेंट। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी एजाज खान के बारे में कि उनकी फैमिली क्या है, क्या बायोग्राफी है, अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, उनका करियर कैसा रहा है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है और उनके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं सब कुछ आज आपको इस वीडियो में एजाज खान के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। सो वेलकम टू माई चैनल पर्सनैलिटी तक। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बहुत ही फेमस और आपके चहेते कंटेस्टेंट एजाज खान के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एजाज खान की बायोग्राफी से। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी लोग जानते हैं एजाज खान एक इंडियन एक्टर और मॉडल हैं। उन्होंने ज़्यादातर काम किया है हिंदी फिल्म्स और टीवी इंडस्ट्री में। उनका जन्म 28 अगस्त 1975 में हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो 45 साल के आसपास हैं। मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में उनकी पैदाइश हुई हैदराबाद तेलंगाना में। निकनेम उनका गब्बर और चीचा है। फादर उनके सतार खान हैं, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय रहे हैं मुंबई में। उनकी मदर एक होम मेकर रही हैं और जब वो 3 साल के थे तो वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी। उनका एक छोटा भाई है और एक छोटी सिस्टर है। अब बात कर लेते हैं उनकी स्कूलिंग के बारे में। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है अवर लेडी ऑफ परपेचुअल सक्सेस हाई स्कूल मुंबई से। कॉलेज उनका दत्ता मेगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो कि मुंबई में है। मास्टर्स उन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से की है, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जब वो 3 साल के ही थे तभी उनकी मदर उनके हस्बैंड से सेपरेट हो गई थी, तो उनका जो बचपन है वो ज़्यादातर अपने फादर के साथ और भाई के साथ मुंबई में बीता, जबकि उनकी जो मदर और सिस्टर हैं वो हैदराबाद में ही रहती थी। हाइट की अगर बात करें तो उनकी हाइट 175 सेंटीमीटर है। वेट उनका लगभग 79 kg के बराबर है। आई कलर उनका ब्लैक है, हेयर्स भी उनके ब्लैक हैं। अगर हम करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म्स और टेलीविज़न इंडस्ट्री दोनों में ही काम किया है। सबसे पहले उन्होंने स्टेप इन किया था फिल्म्स में और उन्होंने एज ए डांसर शुरू किया था और उनका डेब्यू हुआ था फिल्म तक्षक से, जो कि 1999 में हुआ था। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया एज ए सपोर्टिंग रोल, मैंने दिल तुझको दिया, जस्ट मैरिड, कुछ ना कहो, तनु वेड्स मनु रिटर्न, किस किस बैंग बैंग और बहुत सारी फिल्में। उसके बाद जब फिल्म इंडस्ट्री में उनको लीड रोल नहीं मिला और उनको अपनी पहचान नहीं मिली तो उन्होंने रुख किया टेलीविज़न इंडस्ट्री की तरफ। 2003 में एजाज खान ने अपना डेब्यू किया था सीरियल कहीं तो होगा से, जिसमें उनको बहुत सफलता मिली थी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है एज ए लीड एक्टर, जैसे कि ये मोमो के धागे, कयामत, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, डोली सजा के, बालिका वधू, ये है मोहब्बतें, तेनालीरामा। इसके अलावा भी बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। टेलीविज़न सीरियल के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स भी किए हैं, जैसे कि ब्रीज, क्लोरोमिस, टीवीएस विक्टर, बीएसएनएल। इसके साथ साथ जो एपिसोडिक टीवी सीरियल्स होते हैं, जैसे कि सीआईडी, एनकाउंटर, कश्मकश, इनमें भी उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा टीवी रियलिटी शोज़ झलक दिखलाजा में भी वो 2012 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुछ वेब सीरीज़ में भी उन्होंने काम किया, जैसे कि 2019 में उन्होंने हलाला में काम किया था और सिटी ऑफ ड्रीम्स में काम किया था। और आजकल तो आप सब लोग जानते हैं कि वो बिग बॉस 14 के हाउस में एज ए कंटेस्टेंट नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धमाल मचा रहे हैं। कुछ लोगों को वो बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें पागल भी बोलते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, मगर बहुत सारे ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। उनका काम, नेचर और पेशेंस बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है बिग बॉस में। अब बात कर लेते हैं कुछ, ये तो हो गई उनकी फैमिली और उनके करियर के बारे में। अगर हम बात करें अवार्ड्स के बारे में तो अवार्ड्स भी उन्होंने बहुत कलेक्ट किए। उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में लीड एक्टर का काम किया तो उन्हें बहुत से प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि 2005 में उनको बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का अवार्ड मिला था, जो कि उन्हें अनीता हसनंदानी के साथ मिला था इंडियन टेली अवार्ड की तरफ से। इसके अलावा 2007 में उन्हें बेस्ट ड्रेस्ड मैन का अवार्ड मिला था जी गोल्ड अवार्ड की तरफ से। 2014 में और 2017 में भी उन्हें बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी,
बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिल चुके हैं, इसके अलावा भी उन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो कि सब लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी लव लाइफ क्या है और रिलेशनशिप कैसा है, तो मैं आपको बता दूं 45 ईयर की एज में भी वो अनमैरिड हैं। यस ही इज़ सिंगल। हाँ, उनकी अगर हम गर्लफ्रेंड्स की बात करें तो उनका बहुत टाइम तक अनीता हसनन दानी के साथ अफेयर रहा है और वो उनकी रूमर्ड एक्स फियांसे भी कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनकी सगाई अनीता हसनन दानी के साथ हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा से डेट करना शुरू किया नताली डी लूसिया के साथ, जो कि एक सिंगर हैं। इसके अलावा भी उनकी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है निधि कश्यप, बट आजकल वो किसी को डेट नहीं करें, ही सिंगल। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि उनके बारे में बताए जाते हैं, और ये तो उन्होंने बहुत ही बार डिस्कस किया है बिग बॉस हाउस में कि वो गुस्से के शिकार हैं, तो उसकी वजह से पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन और एनजाइटी के शिकार रह चुके हैं। उसकी वजह से वो हिमाचल धर्मशाला में 3 महीने डिप्रेशन ट्रीटमेंट के लिए भी रह चुके हैं। ही लव्स एनिमल और उनके पास एक पेट डॉग भी है। नॉन वेजिटेरियन डाइट वो फॉलो करते हैं। पार्टीज़ में उनको ज़्यादातर अल्कोहल लेते हुए देखा गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि वो एक टाइम में चेन स्मोकर हुआ करते थे, मगर उसके बाद उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। बाइक्स उन्हें बहुत पसंद हैं और वो कई बाइक भी ओन करते हैं। फिटनेस पिक तो वो बहुत ज़्यादा हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। उनकी बॉडी पर 5 से 6 टैटूज़ हैं, और एक टाइम था कि उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद था, उन्हें गिटार की बहुत लंबे टाइम तक ट्रेनिंग भी ली थी। अगर हम बात करें उनकी हॉलीडे डेस्टिनेशन के बारे में तो ही लव्स टू गो टू न्यूयॉर्क। फेवरेट फूड उनका साउथ इंडियन है एज ही बिलोंग्स फ्रॉम साउथ, और इसके अलावा उन्हें घूमना बहुत पसंद है, डांसिंग बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और अगर उनकी बात करें उनके वो किसके फ़ैन हैं तो ही a big fan of Ranbir Kapoor and the Kapil Sharma show. So friend, that's it about Ajaz Khan. और अगर Ajaz Khan के साथ साथ आप BB14 के और भी contestant के बारे में जानना चाहते हैं तो please write in comment section below. और मेरे channel पे आपको different type की personality से related information मिलती रहती है, तो please like, share and subscribe to my channel. Thank you. See you later. Bye.